नमस्कार, मैं हूं लोकेश पुष्कर। आप देख रहे हैं इस वक्त बिहार दस्तक और न्यूज इंडिया दस्तक। हमारे साथ खास मेहमान एक सीरीज है, और आज जो मुख्य खास मेहमान है वो हमारे साथ हैं। वनु द ग्रेट के नाम से जानी जाती हैं, बहुत सारे लोग चश्मिश भी कहते हैं, और बहुत सारे लोग तो इनका जो गाना आया था ना, तो बहुत सारे लोग इनको सीधा सीधा कहते थे। अच्छा वनु जी, सबसे पहले तो बिहार दस्तक पर आपका स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को। जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप सबकी अपनी चश्मिश वन द ग्रेट और शीला। आप कैसे हैं? मैं पहले आपका स्वागत नहीं, करूंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी बहुत उत्सुकता के साथ एक प्रश्न है कि जी शीला, मनु, सॉरी वनु, वनु और इतना सारा नाम है ना, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे और चश्मिश, आपको सबसे प्यारा वाला कौन सा नाम लगता है? सबसे प्यारा इस टाइम पे जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा है, मुझे शीला के नाम से प्यार मिल रहा है। तो अच्छा नाम तो मेरे सारे प्यारे हैं, और जो नाम पब्लिक मुझे दे दे, मुझे चश्मिश भी बोलते हैं प्यार से लोग, शीला भी बोलते हैं, वनु द ग्रेट भी बोलते हैं, तो मेरे लिए सब नाम प्यारे हैं। जी चलिए, तो वन ऑफ द ग्रेट जिसे मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, वेलकम फिल्म। अभी तक आप जो भी सफर आपका रहा है, वेलकम फिल्म अभी फिलहाल सामने में है। शुरुआत यहीं से करते हैं, वेलकम से, फिर बैक में जाएंगे, बात करेंगे एल्बम के बारे में, बात करेंगे वेलकम के बारे में। बताइए क्या रोल है आपका, कैसा है, मतलब क्या है, कुछ तो आप हमारे चैनल पे कुछ तो बताइए। सबसे पहली बात तो शायद, या फिर आप नहीं जान रहे हैं इसके बारे में, वेलकम फिल्म से रिलेटेड कि मेरा क्या कनेक्शन है अभी तक। आप पहले ऐसे हैं, मतलब मेरे सामने ऐसे क्वेश्चन करने वाले मीडिया कर्मी कह लें, या फिर प्रचारक कह सकते हैं, कि पहला सवाल जिन्होंने मुझसे किया कि आप फिल्म में आपका क्या करेक्टर है। अभी तक तो सबका यही ऐसा कहना है कि फिल्म में आपको कोई रोल नहीं मिला क्या? नहीं, नहीं कोई छोटा सा आइटम सॉन्ग भी नहीं मिला क्या आपको? छोटा नहीं मोटा कोई, मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर कैरेक्टर आर्टिस्ट का भी काम नहीं मिला? तो मैं ये कहूंगी गाइस, आप फिल्म देखिए, मैं खुद एक्साइटेड हूँ उस फिल्म के लिए। मेरी किस्मत में होगा ना, तो मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट या फिर आइटम सॉन्ग, कुछ भी कह लीजिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर मेरी किस्मत में होगा तो मैं एज अ लीड भी काम करूंगी, अगर आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहा तो। चलिए अब थोड़ा सा बैक चलते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया है इन्होंने। चलिए बैक चलते हैं, शीला, जहां से आप पॉपुलर हुई, शीला नाम हुआ एल्बम, और एल्बम का भी क्रेज इस प्रकार से आपने स्टैंडर्ड ही बढ़ा दिया भोजपुरी फिल्म का, तो भोजपुरी जगत का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। कैसे एक्चुअली ये सब, क्या आपने सोचा था, किस तरीके से टीम बनी, कैसे हुआ ये सब? रियलिटी बताऊं तो मेरा एक्टिंग के फील्ड में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं पहले से। मेरा जो मिशन था मेरा कुछ और था। मैं एज अ कोरियोग्राफर, जैसे कि आप लोग डीआईडी देखते हैं, डीआईडी हो गया, डांस प्लस हो गया, मेरा मिशन कुछ वैसा था। और उस दौरान मेरा बीच में, मतलब अगर हम बैक में चले जाते हैं कुछ साल पहले, तो मेरा खुद का एक स्टूडियो भी था। बीच में एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा राइट वाला लेग डैमेज है ये वाला, बट मैं कभी किसी को महसूस नहीं होने देती हूँ कि मेरा ये राइट वाला लेग खराब हो चुका है, इसका कार्टिलेज टूट चुका है। उसके बावजूद मैं कभी भी डांस में किसी को मैंने आज तक फील नहीं होने दिया है कि मुझे प्रॉब्लम है। और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, लाइक बहुत ज्यादा डांस करने के बाद, मैं ऐसे तड़पती हूँ ना, रात को मुझे नींद नहीं आती है। लेकिन मैंने कभी वो चीज ना महसूस होने दिया है, ना होने दूंगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन तक बोल दिया है, और मुझे डर लगता है कि अगर ऑपरेशन हो गया तो जो मैं चल रही हूँ, क्या पता 10 साल के बाद मैं वो भी ना चल पाऊँ। तो मैंने बस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ा हुआ है, आप लोगों की दुआओं के ऊपर मैं खड़ी हूँ या जिंदा हूँ, और बस आप लोग का दुआ आशीर्वाद रहेगा तो आपकी वनु दी ग्रेट, आपकी चश्मिश एक दिन ऐसा इतिहास रच जाएगी जो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। मनु, आपने ऐसी बात बताई, ये तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब होता ना कि नहीं यार अब तो मुझसे नहीं होगा, बहुत सारी चीज सोच लेते हैं ना। आपने फिर भी नहीं ठान लिया कि नहीं नहीं कुछ करना है, फिर रिस्क नहीं है, आप बोल रही हैं आगे कुछ हो सकता है, आप सोचते नहीं कभी? रिस्क तो है, बट मेरा एक मिशन है कि मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, और सबसे मेरा मेरा जो मनोबल बढ़ाते हैं मेरे माता पिता बढ़ाते हैं। मेरे पापा मुझे कभी बिल्कुल कहते ही नहीं है, मुझे बेटा कहते हैं वो। तो मुझे लगता है कि अगर फ्यूचर में अगर कुछ हो जाता है मुझे, तो मेरे परिवार को कौन संभालेगा? मैं अपने ऊपर, मैं जब तक मैं हूँ, जिंदा हूँ, तब तक मैं ये समझती हूँ कि अपने परिवार को जितना मैं जितना उनके लिए कर सकूँ, एक जीते जी, और सभी बच्चों को सबसे पहले अपने माता पिता के लिए ही करना चाहिए जितना कर सकते, बस मेरा यही मिशन है। अच्छा, अभी आप क्या योजना है आगे, लीड रोल से भी आगे, कुछ बॉलीवुड हॉलीवुड का भी कुछ प्लान है? देखिए, मैं ये कहूंगी कि लीड रोल करना है या कैरेक्टर आर्टिस्ट करना है, वो मैं डिसाइड नहीं करूंगी, वो हमारे दर्शक डिसाइड करेंगे कि मैं कहाँ के लिए डिजर्व करती हूँ।
अगर मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए डिजर्व करती हूँ तो कैरेक्टर आर्टिस्ट का काम करूंगी, और अगर मैं लीड के लिए डिजर्व करती हूँ तो कौन रोक सकता है? अगर पब्लिक का प्यार है तो आप कोई रोक नहीं सकता मुझे। नहीं, पब्लिक का प्यार ही, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टोरी है बिल्कुल, मैं मैं बहुत आज का सारे आपको बताऊं, आज का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरी लाइफ का ना सबसे बड़ा दिन मैं कहूंगी आज का मेरे लिए है कि 5,000 की तादाद में पब्लिक थी। मॉल का जितना स्पेस है ना वो सारा कवर हो चुका था, स्टेयर्स सीढ़ियां सारी सीढ़ियां भरी हुई थी, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, मॉल का बाहर का लोकेशन पूरा भरा हुआ था ये सिर्फ आपके वीडियो जी, डालने से सिर्फ हुआ। मेरे वीडियो डालने से। और मतलब मैं क्या बताऊं कि अनएक्सपेक्टेड था, मतलब एक पैर रखने की जगह नहीं थी और मैं रील्स नहीं बना पाई। मैं गई, सिर्फ मैंने दर्शकों का दर्शन किया और लौटी गई कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। आप अच्छा, आपने इस बीच में मेहमान नवाजी का खाना भी खाया, कैसा लगा बहुत वो? टेस्टी, बहुत टेस्टी गाइस, मुजफ्फरपुर में आप लोग आइए, यहाँ पे एक मेहमान नवाजी होटल है, रेस्टोरेंट है सभी, और यहाँ का इतना जायकेदार, मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्टी बिरयानी सबसे ज्यादा। आप लोग आइए, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के डिशेस है, बिरयानी है, क्या बोलते हैं उसे, चिल्ली पनीर, पनीर चिल्ली, मतलब जो भी इधर का डिश है ना बहुत टेस्टी है। तो मैं पर्सनली आप लोगों को सलाह दूंगी कि आप लोग यहाँ पे आइए और यहाँ का डिश का स्वाद लीजिए मेरी तरह। चलिए, तो मुजफ्फरपुर के बैरिया में आके आप मेहमान नवाजी का तो जायका आप जरूर टेस्ट कीजिएगा। बट अभी हम जानते हैं, चलिए फिल्म के प्रमोशंस में आप लगे हैं, मुजफ्फरपुर आप आए हैं, मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आपको आके सपोर्ट किया, वहाँ आप कुछ कह नहीं पाएंगे, बहुत भीड़ का मुजफ्फरपुर की जनता के लिए कुछ नहीं। मुजफ्फरपुर की जनता के लिए सबसे पहले तो लव यू गाइस, लव यू ऑल, और मैं स्पेशली दिल्ली से चल के आप लोगों के लिए आई थी, और थोड़ी सी निराश हूँ कि आप लोगों के साथ में वीडियोस नहीं बना पाई, कोशिश है, अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, इवनिंग में देखते हैं सिचुएशन, अगर कुछ ओके रहा तो मैं जा सकती हूँ, अभी भी चांस है कि मैं जा सकती हूँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बाकी बस यही बोलूंगी कि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा ना तो ये जो आजकल मुझे लोग ताने मारते हैं ना कि ये हीरोइन बनेगी, हीरोइन के लायक है क्या? मैं जवाब देना चाहती हूँ सर, अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो क्या आप लोगों को लगता है कि मैं हीरोइन बन सकती हूँ? प्लीज कॉमेंट में जरूर बताइए। करारा जवाब मिलेगा, जो भी लोग ऐसा बोलते हैं उनको तो निश्चित तौर पर करारा जवाब मिलेगा। बनो, आपने समय दिया, बिहार दस्तक से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके आगे के सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।